हाँ कर लूँगा। सर पूरे देश की निगाहें इस समय किसान आंदोलन पर है, किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है और सरकार की तरफ से किसानों को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपने पंचायत शुरू कर दी है, राजस्थान में पहली पंचायत आज आपकी है, क्या लगता है किस तरह से आगे की पूरी रणनीति रहेगी? रणनीति रहेगी देश में अनाज कम कीमत पर नहीं बिकेगा, जो MSP है उसके कम पे खरीद नहीं होगी, सरकार को कानून व्यापारी भूख पे कीमतें तय नहीं करेगा, ये किसान मोर्चे ने तय करेगा। आम जनता की जो अनाज है जो रोटी है वो तिजोरी में बंद नहीं होगी, ये हमारा सवाल है। सर लगातार कई तरह की चीजें हुई, टिकैत के राकेश टिकैत के आंसू भी निकले इस आंदोलन में, किसान के लिए तो क्या लगता है अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? चक्का जाम की आप लोगों ने योजना बनाई है, क्या क्या रहेंगी चीजें? अरे रहती रहेंगे, हम तो जाएंगे सारे देश में जाएंगे घूमेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रधानमंत्री अभी राज्यसभा में बोले MSP रहेगी लागू, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? उस तक कानून बनेगा, इतने तो वे नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ है, जब कानून बन जाएगा जब भी यहाँ पे जो हमारी सरसों है उस भाव पर बिकेगी, व्यापार इसको कम रेट पर लूटेगा, यहाँ का चने का जो कीमत है उसी रेट पर बिकेगा, उस पर कानून बनाना पड़ेगा, उस पर लो जाना पड़ेगा, वो पार्लियामेंट पे आएगा या ऑर्डिनेंस आएगा उस पर कानून बनाना पड़ेगा। रेल रोको आंदोलन की भी तैयारी? हाँ ये तो चलते ही रहेंगे, तैयारी तो होती है ना, जागृति रहे, जो आदमी शामिल नहीं हो रहा दिल्ली तो अपने वहाँ पर शामिल। जैसे तीनों बॉर्डरों को बिल्कुल सीमा की तरह सील कर दिया गया है, उस पर क्या? नहीं, चार पाँच बॉर्डर है, कम से कम अभी 5-6 लाख आदमी है। आज राहुल गांधी भी मतलब 2-3 दिन में सभा करने आ रहे हैं राजस्थान में, हमारे को कोई आपस में तालमेल नहीं। राजस्थान में आप आए हैं, राजस्थान से क्या रणनीति की शुरुआत करेंगे आप? राजस्थान में किस तरह के जाएंगे? राजस्थान के किसान वर्ग तो बहुत अच्छा चाह रहे हैं, करेंगे यहाँ से बात, आंदोलन में साथ दे, MSP का कानून बने, 3 बिल वापसी हो। कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन गए तो ये नहीं होगा, कानून वापसी होंगे, MSP का कानून बनेगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, ये हमारे सारे सवाल है। सरकार लगातार बात करने की बात करी है कि बहुत ही बात कर, अब तक की बातचीत में क्या रहा? वो कानून वापसी नहीं लेते, हम घर वापसी नहीं जाते। कब तक रुके रहेंगे? हमें क्या तो काम है, अपना खेत में काम करे आगे, वहाँ पर आगे कर दे। बीच में कई किसानों को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। करें हमारी प्रॉपर्टी 80 करोड़ रुपए की, बताइए कम बताई क्या इतनी है, तो बहुत है, मतलब बहुत बैंक के अधिकारी लगाने पड़ेंगे, CA लगाने पड़ेंगे, बहुत पटवारी लगाने पड़ेंगे, SDM लगाएंगे, सरकार लगाएंगे, जब जाके प्रॉपर्टी का पता चलेगा। अच्छा इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पे, हमारे पे तो बहुत प्रॉपर्टी। इसका क्या पेट्रोल पंप भी बहुत, 8 ही बताए, पेट्रोल पंप भी बहुत है। इसका क्या तात्पर्य है कि ये लगातार मंत्री जी बैठक करते हैं फिर आप चले जाते हैं, क्या क्या मतलब निकाल रहे हैं? वही जाते हैं, हम छोड़ के हम तो निकल। सरकार जिस तरीके से दबाव बना रही है आपकी संपत्ति का बता रही है, तो क्या समझते सरकार? कम बताई, संपत्ति ज्यादा है, संपत्ति क्या ईडी और ये इस तरह की एजेंसी, कई एजेंसी लगे, जब जाके पता चला संपत्ति का। कुछ चैनल या खरे मीडिया हाउस की तरफ से भी आपके ऊपर लगातार दबाव बनाया गया कि आप सरकार से बात करेंगे? ना हमें तो जरूरत है सरकार से बात करने, हमें तो दिक्कत है। आगे सर इस समस्या का हल कैसे निकले? और हम हल का हल निकाल रहे हैं समस्या का, इसने कहा आपके ऊपर राजनीति का भी आरोप लग रहा है कि आप राजनीति? ना हम चुनाव नहीं लड़ने के, ना यहाँ पे कोई वोट तलाश कर रहे हैं इस आंदोलन में, इसे आंदोलन का नेता भी किसान है, इसे तो हाड़ी पाड़ी चलाओगे इस आंदोलन को, जो खेत में हल चलाता होगा और खुरपा चलाता होगा वो इस आंदोलन का नेता है, इसका कोई नेता नहीं है। 40 आदमी हमारी कमेटी के लोग हैं, किसानों के फैसले, फसलों के फैसले तो किसान तय करेगा और सरकार से बात कमेटी करेगी, सरकार से फैसले कमेटी करेगी। किसान किस बात पे मानेंगे अंतिम जी, किसान का क्या? MSP पे कानून बना दो, 3 बिल वापसी ले लो, आगे की कमेटी बना दो, बातचीत हो जाएगी। बहुत सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड पे 300% का ब्याज देता है। इतने दिनों के आंदोलन में राकेश टिकैत को कहाँ पाते हो आप? मैं तो खेत में पा रहा, मेरे तो गन्ने के भुगतान नहीं होता, एक आधी पर्चिया में उसको भर के नहीं देते। आपके गांव के भी कई निकल के आए, वो कह रहे हैं साहब कि राकेश टिकैत के साथ हैं हम, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। अच्छा भाई सही बता दो, क्या करूँ अगर मेरे किसान की राजस्थान में बाजरा ठीक बिक रहा हो तो मैं गलत हूँ, अगर यहाँ की सरसों ठीक कीमत पे बिक जाएगी तो मैं गलत हूँ, इनको बिकवा दो, यही तो लड़ाई है।
शॉर्टकट तरीके।